हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो हर दिल जो प्यार करेगा। आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। जी हाँ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे। ये पूरा वीक हम बहुत सारे दिनों के रूप में मनाते हैं, जैसे रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे और भी बहुत सारे दिन। और आज है फाइनल यानी कि वैलेंटाइंस डे। आज के दिन को कोटा शहर के लोग किस तरह से मनाते हैं उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो यहाँ कुछ बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सानवी। आपका? भूमि। ओके, तो भूमि और सानिया, क्या नाम बताया? सानवी। ओके सॉरी। सानवी, आपसे जानना चाहेंगे, चॉकलेट डे आपने सेलिब्रेट किया? हाँ, हमने चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया है। मैं अपने भाई को चॉकलेट देती हूँ, अपने पापा को, मम्मी को, अपनी फ्रेंड्स को। ये भी मेरी फ्रेंड है, स्कूलमेट है, क्लासमेट है। तो आपने इनको चॉकलेट दी? हाँ, मैंने दी है। हाँ, इसने मेरे को चॉकलेट दी थी। okay. और मैं भी लेकर आई थी, तो मैंने इसको मेरी चाची फ्रेंड्स और मेरी बहन और मेरी पापा, मम्मी, मेरे दादाजी, अच्छा। उन सबको मैंने चॉकलेट दी थी। ओके okay. तो एक और दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। आज तो वैसे वैलेंटाइंस डे है। हाँ. आज प्यार इजहार करने का दिन होता है। हाँ. तो अपने फ्रेंड से आप प्यार का इजहार करें, अपने मम्मी पापा से, सबसे। लेकिन एक टेडी डे भी हमने सेलिब्रेट किया है। हाँ. तो उस दिन आपको किसी ने टेडी गिफ्ट किया? हाँ, मेरे पापा ने मेरे को बहुत बड़ा टेडी दिया था। ओके okay. और आपको? और मेरे पापा ने भी मुझे टेडी दिया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। ओके okay. तो और प्रॉमिस डे पे कोई प्रॉमिस किया या नहीं? मैंने प्रॉमिस तो मेरी बहन को कहा कि मैं उसे हर प्रोजेक्ट में हेल्प करूँगी। और आपने? मेरा भाई मुझसे प्रॉमिस मांग रहा था कि मैं उससे कभी ना लड़ूं, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, भाई अपनी बहन से, बहन अपने भाई से कैसे नहीं लड़ेगी, वो तो हम कभी नहीं कर सकते। ओके चलो, थैंक यू, वेलकम। ओके सो गाइस, यहाँ पर कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, उनसे हम बात करते जा रहे हैं। आपका नाम? पूजा। ओके okay, तो पूजा जी, वैलेंटाइंस डे है, हम yes. सभी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एसटीएन भी चाहता है कि आप सभी, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो वो हमारे जरिए दे सकते हैं। आज का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वैलेंटाइन डे मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरा दिन बिताती हूँ। पहले हम मॉर्निंग में इधर उधर आसपास जाते हैं, कहीं पार्क में बच्चों को लेकर घुमाते हैं, फिराते हैं, उनको स्विंग्स राइड्स करवाते हैं। उसके बाद हम कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने, चौपाटी या फिर किसी रेस्टोरेंट में निकल लेते हैं। हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, चॉकलेट्स एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, बुके गिफ्ट करते हैं। उसके बाद हम कोई ना कोई मूवी अच्छा टाइम निकाल के चले जाते हैं, और इस तरह से हम पूरा दिन एक दूसरे को देते हैं। पूरा वैलेंटाइन डे स्पेशली हम छुट्टी लेकर, वी बोथ आर वर्किंग, बट वैलेंटाइन डे वी स्पेशली सेलिब्रेट विद ईच अदर, वी गिव टाइम टू ईच अदर। ओके, तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आज का दिन उन्हें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारों के माइंड में ये होता है कि प्यार शब्द एक किसी एक के लिए ही बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। प्यार तो हम हमारे मम्मी पापा से भी करते हैं, हस्बैंड से करते हैं, दोस्तों से करते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश देना चाहती हूँ, वैसे तो हर डे स्पेशल होता है यदि आप फैमिली के साथ हो, एक दूसरे के साथ हो, पर पर्टिकुलर एक डे यदि ऐसा हम स्पेशली एक दूसरे को शो करें कि हम कितने लव करते हैं, एक दूसरे के केयर करते हैं, चाहे वेदर वो कोई भी हो, आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, या इन लॉज हो, या एनी वन इन लाइफ, तो आप अपने लव को शो करने के लिए दिस इज़ अ पर्टिकुलर डे वेयर वी कैन शो आर फीलिंग्स, वी कैन सेलिब्रेट इट लाइक अ फेस्टिवल फॉर मी, है ना? इट्स लाइक अ वेरी गुड डे, है ना? यस। ओके, तो आपके हस्बैंड आए हैं आपके साथ? मेरे हस्बैंड आए हैं, बट ही इज़ विद किड्स, है ना, बोटिंग दे आर डूइंग। ओके, अभी बिजी हैं। तो हमारे एसटीएन के जरिए अपने हस्बैंड को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड मेरे लवर भी है, फ्रेंड भी है, लाइफ पार्टनर भी है, हर सुख दुख में वो मेरा पूरा साथ देते हैं, और आई एम वेरी लकी कि वो मैं उनके साथ मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिला है। तो मैं गॉड को थैंक कहना चाहूँगी, और अपने हस्बैंड को आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगी, आई लव यू टुडे ऑलवेज फॉर एवर। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू मैम। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? परी भारती। ओके परी, आप कोटा से ही हैं? नहीं, हम उदयपुर से। ओके तो वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने आए? यस। ओके, कौन कौन आया है फैमिली में से? मैं, मम्मी पापा, मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, और बस। तो कैसे सेलिब्रेट करते हो आज के दिन को? टेडी डे देते हैं, पार्टी करते हैं। ओके तो जो टेडी डे निकला है उस पर आपने टेडी गिफ्ट किया किसी को? हाँ, किसी? मम्मी पापा को, सिस्टर को। ओके, दोनों तीनों को, सबको खुश हो गए होंगे फिर तो, पक्का सब खुश हुए होंगे। तीन तीन टेडीज एक ही घर में। और चॉकलेट डे पे आपको किसी ने चॉकलेट गिफ्ट की? हाँ, दी थी, मम्मी ने दी थी, पापा ने दी थी, ब्रदर ने दी थी, सिस्टर ने दी थी। ओके तो आप तो मतलब पूरी फैमिली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो आज के दिन को। ओके तो यहाँ पर कोटा में आपको क्या कुछ अच्छा लगा घूमने की जगह, कौन सी पसंद आई?
सेवन वंडर पार्क। ओके, सेवन वंडर पार्क सबका फेवरेट है वैसे। ओके, तो आज के दिन सभी जो आपके उदयपुर में देख रहे होंगे आपको, उनको क्या मैसेज दोगे आप? क्या दूँ? हैप्पी वैलेंटाइन डे ऑल फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। तो कुछ और लोग हमें दिख रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाय। आपका नाम? नंदनी भारती। आपका? मेरा नाम अंजलि। अंजलि और नंदनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत ही प्यारे नाम है आपके। थैंक यू। ओके, आप कोटा से ही हैं? नहीं, हम उदयपुर से। और आप? मैं दिल्ली से। ओके, तो उदयपुर से और दिल्ली से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप फ्रेंड्स हैं, इतनी दूर से आप एक साथ मिलकर घूमने आए हैं? यस यस। ओके, तो कोटा शहर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कौन सी जगह आपको पसंद आई? सेवन वंडर पार्क। और आपको? मेरे को भी। ओके, तो वैलेंटाइंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन को आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? हम फुल एंजॉय करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं सारे। ओके, और भी फ्रेंड्स हैं आपके? यस यस। साथ आए हैं? नहीं। ओके, तो वो जो फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज दोगे आज के दिन? आप भी आज का दिन बहुत अच्छा है हमारे लिए। ओके, प्यार का इजहार करने का आज का दिन है, तो अपने जो भी फ्रेंड आप मिस कर रहे हैं उन्हें आप बोलना चाहेंगे कुछ? अगली बार आप भी हमारे साथ आना और इसे एंजॉय करेंगे। ओके, और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पूरा वीक ना हम वैलेंटाइंस का ही सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें एक डे निकला है प्रॉमिस डे। हाँ। आप दोनों ने एक दूसरे से कोई प्रॉमिस किया? Yes। हम दोनों कभी झगड़ेंगे नहीं। Okay। ना कभी लड़ेंगे एक दूसरे से। ओके, एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। वेलकम। तो चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विशाल। ओके, तो विशाल आप कोटा से हैं? हाँ जी। ओके, तो कोटा में आपके कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिनके साथ आप वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल? हाँ जी, फ्रेंड है मेरा, इसलिए सेलिब्रेट करने यहाँ पे कभी आ जाता हूँ मैं जब मेरा दिल करता है। ओके, तो क्या कुछ स्पेशल रहता है हर साल, कैसे सेलिब्रेट करते हो? हर साल एंजॉय, पार्टी वगैरह, घूमना। इस बार कुछ स्पेशल है? स्पेशल तो है बट हमारा कुछ स्पेशल कोटा के लिए भी होता है, कुछ स्पेशल हमारा घूमना फिरना, पार्टी इंजॉय करना बाकी। ओके, तो सबसे जो खास आपके दिल के करीबी दोस्त है वो कौन है? दिल के करीब तो एक ही है। नाम? बाकी तो ऐसे ही है। ओके, मुझे लगता है आप नाम नहीं बताना चाहते। नाम? नाम तो सबके बहुत सारे होते हैं लेकिन नहीं, पर आपके तो दिल के करीब जो है आप उसका नाम तो ले ही नहीं रहे। दिल के करीब इसका नाम यार। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कुछ सीक्रेट होते हैं तो मत बताइए, कोई बात नहीं। तो जो फ्रेंड्स या जो दिल के करीबी शख्स आपको देख रहा है उसे आप क्या संदेश दोगे? ये संदेश दूंगा मैं उसको, उसको भी अच्छा लगेगा और बाकी वो भी आए साथ मिलके एंजॉय करें, पार्टी करें। ओके, तो जो दिन निकले हैं टेडी डे, चॉकलेट डे, आपने चॉकलेट डे पे किसे चॉकलेट गिफ्ट की? मैंने चॉकलेट दिए अपनी सिस्टर को, मम्मी को, पापा को। सबको ही दे दी एक साथ? हाँ जी। अच्छा, तो सब खुश हो गए होंगे? सबसे पहले उनको देना चाहिए ना। हाँ, ये तो है फर्स्ट। हाँ। तो हमारे मम्मी पापा का ही हक बनता है। उसके बाद जो प्रॉमिस डे आया, मम्मी पापा से कोई प्रॉमिस किया आपने? प्रॉमिस तो रोज करते हैं। ओके, बाकी वो स्पेशल होता है ना, बाकी कोई स्पेशल दिन तो होता नहीं, होता नहीं क्योंकि हर दिन स्पेशल है माँ बाप के लिए तो, और प्यार का इजहार भी हर दिन किया जा सकता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, प्यार कभी टूटता नहीं। ओके, लेकिन अब आज का दिन स्पेशल है ना इंसान। ओके ओके, अब आज का दिन स्पेशल है, क्या कर सकते हैं, सेंट वैलेंटाइन डे की याद में आज का दिन मनाते हैं क्योंकि प्यार के लिए वो लड़े थे, उन्होंने अपनी जान भी दे दी थी। कोई गम का मनाता है, कोई खुशी का मनाता है, पर आज तो प्यार का दिन है ना। प्यार का दिन है ना, तो प्यार का दिन हमेशा फर्स्ट टाइम तो पहले माँ बाप के साथ, उसके बाद में जो फ्रेंड्स लोग के साथ। ओके, तो यहाँ एक अंकल मुझे दिखाई दे रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एचएम पठान। ओके, आप क्या करते हैं? मैं, ये मेरी दूसरी जॉब है, मैं एलन केयर इंस्टीट्यूट में सीट को चीफ हूँ। ओके, तो अंकल आज हम ना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी जो यूथ है वो इस दिन को किस नज़रिए से देखती है वो तो सभी लोग अपने अपने नज़रिए से जान सकते हैं, क्या कुछ वो सोचते हैं, आप इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम इस दिन को बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि पार्क में सब एंजॉय करें। okay। अपने हिसाब से और सभी एक दूसरे का सम्मान का ध्यान रखें। okay। और बड़े शालीनता के साथ में अनुशासन में रहते हुए एंजॉय करें, क्योंकि ये यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है तो इक्के दुक्के लोग ऐसे भी आ जाते हैं तो सरकार की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ड्यूटी ये है कि कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति यहाँ पर आके बाधा उत्पन्न नहीं करे। okay। और कोई जैसे सरकारी संपत्ति जैसे लाइट है, नल बिजली है, पेड़ पौधे हैं, इनको नुकसान ना पहुंचाएं और सभी मिलकर एंजॉय करें। ओके, तो आज के दिन भी ये हम सबकी स्वच्छता और सुरक्षा को देख रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। हेलो।
ओके गाइस, यहाँ पर कुछ और लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज का दिन वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हेलो हेलो, आपका नाम? चांदनी कुशवाहा। ओके, तो चांदनी, वेलेंटाइंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करते हो? हम घूमने जाते हैं हमारी फ्रेंड्स के साथ और बहुत इन्जॉय करते हैं। कोटा में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे कोटा में बूंदी सबसे अच्छा लगता है, वहाँ का तारागढ़ बहुत अच्छा है। बूंदी का तारागढ़ इन्हें बहुत पसंद है। आपके फ्रेंड्स आए हैं आपके साथ? हाँ, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, दो फ्रेंड्स हैं मेरी जो स्कूल टाइम से साथ हैं मेरा। यहीं है अभी? हाँ यहीं है। तो चलिए बुला लेते हैं उनको। हेलो, आपका नाम? रितु। आपका? संध्या। ओके, तो रितु संध्या, आपकी फ्रेंड आपको बहुत प्यार करती हैं, हमारे चैनल के जरिए वो सबको बता भी रही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये मुझे स्कूल में मिली थी फर्स्ट टाइम, तो हम लोगों का जब से साथ नहीं छूटा, हम अभी स्कूल से निकल कर कॉलेज में आ गए, तो अभी भी हम तीनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ओके, मेट फॉर ईच अदर। ओके, तो आपकी यारी देख के मुझे लगता है आपको कोई ऐसा गाना गा देना चाहिए जिससे आपकी यारी हमारे दर्शक भी देख ले। हाँ, गाते हैं बिल्कुल। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ओके, तो गाइस यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? एकता जैन। आपका? सुशीला गुप्ता। माला? मीना। आशा जी, आप बड़ी स्माइल कर रही हैं, खुशी खुशी नजर आ रही है, आज कुछ स्पेशल है? हाँ, आज मेरी शादी की सालगिरह है, मेरे शादी को 16 साल हो गए हैं आज। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके 16 साल कंप्लीट हो गए हैं और वेलेंटाइन डे भी है। ओके, आज ही के दिन आपकी शादी हुई? लव मैरिज है। ओके, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो आज के दिन को? फैमिली के साथ। ओके, और आप लोग? और हर साल हम लोग अगर इस टाइम पे रहते हैं तो फ्रेंड्स सभी जाते हैं सेलिब्रेट करने। ओके, आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोग अपने वैसे हस्बैंड के साथ ही मनाना पसंद करेंगे क्योंकि आज स्पेशल डे उन्हीं के लिए होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई उनके साथ ही मनाया जाए, लेकिन हाँ ग्रुप के साथ भी मना सकते हैं, फैमिली के साथ ही मना सकते हैं, लेकिन जो मजा हस्बैंड के साथ मनाने का है वो नहीं है। ये तो आपने सही कहा कि हस्बैंड के साथ ही आज के दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन आज का दिन प्यार का इजहार करने का दिन, वो किसी से भी हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, भाई बहन से भी हो सकता है। तो आज के दिन कोटा में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? चंबल गार्डन है, गणेश उद्यान है, सिविल गार्डन है, अभी नया है त्रिपुरा मंदिर, फेमस मंदिर है। तो अब शिवाजी पार्क खुला है, सोम हो जाए दो लाइन आशा जाएगी नहीं गाना तो पर होता है मस्ताना, होता है हर खुशी से हर गम से गाना होता है। ओके, थैंक यू। ओके, कुछ और लोग दिख गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? भगवान दास वाधवानी। ओके, तो ये बच्ची आपकी? हाँ जी। आपका नाम? स्नेहा वाधवानी। ओके, स्नेहा हमारे साथ हैं और उनके पापा भी हैं, चलिए उनके पापा से पूछते हैं, वैलेंटाइन डे आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम सब लोग घूमने फिरने जाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं फुल डे। कोटा में कोई स्पेशल जगह है जो आपको बहुत पसंद हो? सिटी मॉल है, त्रिकुटा मंदिर है। ओके, तो आज के दिन वो, चलो बच्ची से बात करते हैं। स्नेहा, आपके पापा ने आपको चॉकलेट डे पे चॉकलेट गिफ्ट की थी? यस। ओके, तो आपको अच्छी लगी वो? यस। ओके, आपने पापा को आई लव यू बोलोगे? नो। क्यों, अच्छा गुस्सा हो आप इनसे? छोटी चॉकलेट दे दी थी क्या? No. नहीं। ओके, तो आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब प्यार से रहो। Okay. सब मस्ती करो। ओके, यही जिंदगी है, कब किसकी लाइफ खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ कुछ और लोग हमें दिख गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश द्विवेदी, राजस्थान पुलिस में जॉब करता हूँ। ओके, गुड। आपका? गौरव चौधरी नाम है मेरा, राजस्थान पुलिस में। ओके, तो आप लोग कोटा से ही हैं? मैं प्रॉपर कोटा से हूँ और ये मेरा फ्रेंड है। आप कहाँ से? मैं अजमेर से रहने वाला, मथुरा का। ओके, तो यहाँ कोटा आप घूमने आए हैं? हाँ जी। ओके, आप इनको घुमा रहे हैं? बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को घुमा रहे हैं, ये भी एक प्यार का इजहार ही है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइन से, आज के दिन आप किसे याद करना चाहेंगे या हमारे चैनल के जरिए किसे एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे आप बहुत प्यार करते हैं?
सबसे पहले मैं अपने माँ बाप के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि उनने इस दुनिया में हमारे को लेके आए और बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। मैं तो यही मानता हूँ कि उनने एहसान करा है, तो और भी योनियों में जन्म ले सकते थे हम। एक मनुष्य योनियों में जन्म लिया है मैंने, और एक सभ्य जनजाति में, जैसे कहते हैं कि वो प्रजाति, उसमें मैं एक सभ्य प्रजाति में जन्म लिया है। तो सबसे पहले मैं मेरे माँ बाप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, और उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए ये मेरा यही संदेश है मैं सबको कि अपने माँ बाप को कभी दुख मत दो और उनको जीवन में खुश रखो, खुश रखना और बहुत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका क्या कहना है? मैं तो अपनी पत्नी को मिस कर रहा हूँ। अपनी पत्नी को मिस कर रहे हैं? ओके, तो हमारा चैनल पे जब वो आपको देखेंगी तो शायद चाहती होंगी कि आप उनके लिए दो कुछ लाइनें बोलें। लाइनें क्या, वो होती तो साथ में कोटा घूमने में और ज्यादा अच्छा लगता। ओके, आप उन्हें मिस कर रहे हैं। ओके, तो अब जाकर उनको आप कैसी सॉरी बोलेंगे कि वैलेंटाइन डे आपने उनके साथ नहीं सेलिब्रेट किया? अब तो बोलना पड़ेगा ही। ओके, तो इसके पहले भी हम पूरा जो वीक है वो वैलेंटाइंस डे का ही होता है, चॉकलेट डे, टेडी डे। तो और जो प्रॉमिस डे आया था उस पर आप दोनों ने आप एक दूसरे से या किसी और से कोई प्रॉमिस किया? मैम, मैंने तो तीन प्रॉमिस करा था। सबसे पहले माँ बाप को करा था कि मैं आगे से आपके कभी भी किसी भी जो भी आप आदेश दोगे उसके खिलाफ ही नहीं करूंगा। सेकंड वादा मैंने मेरी वाइफ को किया है, मेरी लव मैरिज है खुद। ओके, लव मैरिज है। मेरी वाइफ भी राजस्थान पुलिस में, हमारी इस व्यस्तता की ड्यूटी के कारण हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। तो सेकंड मेरी वाइफ को कहूंगा कि सॉरी मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, बट मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। ओके, और आप कोई प्रॉमिस नहीं किया अपनी वाइफ से आपने? प्रॉमिस बहुत सारे कर रखे हैं। अच्छा, पर हाँ, मुझे आपकी स्माइल से ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ आपसे बहुत नाराज होंगी क्योंकि आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते होंगे टाइम का इशू लेकर। कुछ ऐसा है। ओके, तो हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? ये वैलेंटाइन डे अच्छी तरह से मनाओ, कोई ऐसी उदम वदम नहीं करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। एक संदेश और देना चाहता हूँ मैं कि भाई ये 14 तारीख है वैलेंटाइन डे, एक लविंग लाइफ के लिए जो भी कपल हैं उनको बस मैं इतना सा संदेश देना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल टाइम पास के लिए किसी को मत सेलेक्ट कीजिए, लाइफ टाइम के लिए कीजिए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये करा, जिससे प्यार किया है उसको ही मैंने लविंग लाइफ से जीवन लाइफ पार्टनर बनाया। इस गार्डन में मैं पहले बहुत बार घूमा और मैंने उससे यही प्रॉमिस करा था कि आपके अलावा किसी और को नहीं देखूंगा मैं, और मैंने यही करा है। शादी हुई है, आज मेरी एक प्यारी सी बच्ची है फूल जैसी, और मैं उसे हमेशा ये प्रॉमिस करता हूँ हर साल कि आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगा और ना मैं देखता हूँ। मैं भी यही विश करती हूँ कि जो प्रॉमिस डे निकला है उस पर ज़्यादातर कपल्स ने यही प्रॉमिस किया हो कि वो कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग लाइफ के लिए उनके साथ हैं। सो गाइज, आई होप कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमें कुछ सीख दी है कि आज का ये दिन प्यार का इजहार का दिन होता है। इस दिन हमें प्यार का इजहार करना चाहिए अपने माँ बाप से, भाई बहन से, हमारे प्रिय दोस्तों से, और जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे इजहार करने का आज का ये दिन है। और कोटा शहर के लोगों से हमने बहुत कुछ जाना कि आज का दिन वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ करते हैं। इसी के साथ आज का ये दिन यूं ही खत्म होता है और आपसे फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।